आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। कोरिया जिले के कोयलांचल चिरमिरी हल्दीबाड़ी इलाके में हिंदू सेना की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में डोमन हिल यातायात चौराहा सहित अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क बांटे हैं। संगठन के राजेश यादव और अविनाश चंद्र ने बताया कि संगठन के कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है। हिंदू सेना जिला कोरिया आज जो मास्क वितरण कर रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। आज हिंदू सेना के सभी साथियों के सहयोग से आज हल्दीबाड़ी डोमन हिल में मास्क का कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए सभी को मास्क लगाने का हिदायत दी गई और उन्होंने बोला भी गया कि सभी अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना कम से कम हो सके तो अपना घर में सुरक्षित रहें। ऐसा क्या कारण है जिससे आप लोग मास्क वितरण कर रहे हैं? हिंदू सेना एक सनातन धर्म में कार्य के साथ साथ हमेशा सहयोग की भावना रही है और इस प्रकार से हमेशा कार्य करती रहती है और सभी को सामाजिक कार्य भी करती है। इस पर कारण ही हम सब लोग मास्क वितरण कर रहे हैं। मैं अविनाश चंद, हिंदू सेना प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। आज जो यहाँ मास्क वितरण आप लोग के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है, क्यों ऐसा आप लोग के द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है? देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना का जो तीसरी लहर चल रही है और इससे बचाव के लिए मास्क और जो ये सैनिटाइजर है इसका प्रयोग करना चाहिए। आज हिंदू सेना कोरिया जिले के चिरमिरी के यातायात चौक में अपने सीमित पदाधिकारियों के साथ में लोगों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर रहा है। साथ ही लोगों को समझाइश भी दिया जा रहा है कि आप जब अति आवश्यक कार्य हो तभी अपने घर से निकलिए। दूसरी चीज़ है, मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करिए। इन्हीं तथ्यों को लेकर आज हिंदू सेना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हल्दीबाड़ी यातायात चौक पर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहा है।